तो सारे भैया भाई मेरी राम राम। एक छोटा सा इंटरव्यू है, और इंटरव्यू भी किसका है? सुरेंद्र उड़ाना, भाजपा का वो युवा नेता जो किसान आंदोलन से लेकर किसी भी आंदोलन में पीछे नहीं हटा, डेली की डेली खट्टर साहब की पोस्ट डालते रहे। हालांकि भाजपा के बहुत सारे नेता इस बात से पीछे हट गए थे, ना अभी डालते, खिलाफत ज्यादा है, लेकिन अकलौता यो सुरेंद्र उड़ाना यो नहीं माना। तो आज हमारे लिए सुरेंद्र उड़ाना ही भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब कैसे आप? बहुत अच्छा, ठीक है भाई साहब। तो सरकार ने आपको कहा नहीं भाई पोस्ट ना डालो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, किसान आंदोलन के टाइम पे जब ये मामला था? नहीं भाई साहब, मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि पोस्ट ना डालो। हाँ, मेरे साथी बोलते रहे थे कि आप अभी भाजपा के पक्ष में कुछ ना डालो, भाजपा के पक्ष में कुछ ना डालो, माहौल गर्म है, माहौल गर्म है। हमने कहा भाई हम जिस संगठन के साथ उसके साथ पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से रहेंगे, और जिसके साथ फिर तय दिल से साथ देवा। मेरे साथी भी जाना, ये मेरे साथ इतने जारो जारो लोग जो रैली में, मेरे साथी आवा, इसी वजह से आवा कि जिसके साथ बस खड़ गए तो बस अड़ गए, ये मामला खड़ गए तोड़ गए। तो भाई साहब, जब आपका कार्यक्रम हम देखा, आपकी फेसबुक पोस्ट देखा, सुरेंद्र उड़ाना के नाम से, इतनी भीड़ भाजपा का, जब पॉजिटिव कार्यक्रम तो नहीं आंदी, आपके प्रोग्राम में इतनी जनता, और वो भी सिर्फ एक हल्के हल्के की आवा है, बाहर का कोई सिस्टम नहीं हल्के की। भाई साहब 13-14 वर्षों से संगठन में काम कर रहे, संगठन को जोड़ना भी भाजपा से ही सीखा, लेकिन इतना ज़्यादा सीख गए कि ज़्यादा जुड़ गए सीखे भी भाजपा से ही है संगठन जोड़ना। भाजपा से ऊपर, पार्टी से ऊपर कोई संगठन का किसी को पता नहीं, बाकी को तो संगठन है ही नहीं। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, जजपा के पास संगठन नहीं है, इनेलो के पास संगठन नहीं है, बसपा के पास संगठन नहीं है, किसी के पास संगठन नहीं है। संगठन तो भाजपा के पास है, और उससे हम सीख गए, हम इतना सीख गए कि हमारा संगठन बहुत बड़ा हो गया, रुक ही नहीं रहा। हाँ, ये रुक नहीं रहा। 25 तारीख ना रैली है इंदिरा राजमंडी में जी, तो पता चलेगा भाई कितने भाई अपने साथ। क्या बात है भाई, हमारे सुरेंद्र उड़ाना जी की खासियत ये है, इनका लिंक मनोहर लाल जी के साथ है, उनके साथ ही जुड़ रहे हैं, और मनोहर लाल जी का प्यार इतना है, बिना फोन करे इनके ऑफिस पर आ जावा है, और इनके आसपास फुलजेब चाय पानी की व्यवस्था करनी, क्यों करना बनी है। एक दो बार आए थे भाई साहब, मैंने आग्रह करा था एक बार बाबूजी से। हाँ। और मैंने बहुत खुशी हुई थी कि जैसे सभी ना, जिस तरह मैं चाहे कोई सा भी आंदोलन था, मैं बाबूजी की पोस्ट लगातार डालता रहूं था, बाबूजी के मतलब पूरा फैन उनका, इस फैन में इसलिए हूं कि जहां वो भी जहां खड़ गए तोड़ गए वहां से, तो इसलिए उनका फैन हूं। और देखो उनका, उन्होंने अपने एक ऐसे भगत को आगे मुख्यमंत्री बनवा दिया, जिन्होंने निष्ठा से उनका वो करवाया था, उनकी सेवा करी थी। तो मेरे तो सारे क्या करते, क्यों हो रहा, क्यों बावड़ हो रहा, फलाना डिकड़ा कुछ तो कुछ। फिर चेयरमैन की बात आई, विधायक बनने की बात आई, कई चीज़ आई, चलो मेरे पास गमन नहीं था, लेकिन मैं तो बाबूजी से पीछे नहीं हटा। लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने आपको बुलाया भाई आपको चेयरमैन बनाओगे, लेकिन वो बस सिरे नहीं चढ़ पाई, लेकिन डॉक्यूमेंट सब कुछ मंगा लिए थे, ऐसा होता है। ऐसा तो है, लेकिन बाबूजी की भी थोड़ी वो हुआ, और भी लोग देखने पड़ा, बड़े भी कहीं दिल तो टूटा ना। ना अपना उनके प्रति कभी दिल नहीं टूटा, अपन तो उनसे, मेरा सबसे बड़ी खुशी उस दिन हुई जिस दिन मैंने, जब मैंने उनसे आग्रह करा था कि आप चाय पीने आइयो, मैंने ऐसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मार्टर चाय पीने के लिए आ जाएंगे, तो बाबूजी आए। कितने मिनट पहले आपको बताया अभी आने वाले? 10 मिनट पहले। हाँ जी, देखो भाई लगाओ तो इस नको है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट भी खट्टर साहब के हाथ में है। हम तो आज भी उन्हीं के अनन्य भगत हैं, और उनके निर्णय हमेशा राष्ट्रहित में रहते हैं, प्रदेशित में रहते हैं। अब मेरे दिमाग में एक संकोच है भाई, सुरेंद्र भाई साहब ने इंद्रिय हल्के में इतनी मेहनत कर रखी है, आम जनता इतनी जुड़ गई, इतनी भाजपा के साथ नहीं जुड़ी, मतलब सुरेंद्र उड़ाना भाजपा के साथ जरूर है, लेकिन उसके समर्थक इतने हैं, वो भाजपा के साथ नहीं, वो सुरेंद्र के साथ हैं, और सारे के सारे समर्थक, जब मैं सर्वे आपके हल्के में 2 बार करके गया हूं, तो उन्होंने आपका नाम जरूर लिया, बातें बहुत हुई भाई, एक बार तो उड़ाना जीतेगा, सुरेंद्र जीतेगा, मतलब टिकट जब मिलेगी, मतलब टिकट मिलो ना मिलो वो जीतेगा भाई। सब संगठन ही बड़ा है, पार्टी बड़ी है, पार्टी से ही हमें, देखो हमारी पार्टी का तो एक कहना है कि राष्ट्र पहले है, फिर दल है, फिर हम लोग हैं, तो भाजपा संगठन बड़ा है, हमारी तो औकात कुछ नहीं है। ये तो खैर आपका बोलना बनता भी है, आप साफ दिल के होते हो, ये बात बोल भी दो, लेकिन समस्या ये है कि आज जो आपका वर्चस्व है इंद्रिय हल्के में, हालांकि भाजपा के भी वहाँ पे विधायक है, तो आपका जो वर्चस्व बढ़ा है उसमें यो लगा है कि भाजपा नहीं भी टिकट दोगी तो आप इलेक्शन लड़ोगे। वृक्षसव का कारण भाई साहब थोड़ा सा ये भी है कि मैं सरपंच और जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा ये होता है, जैसे एक तो संगठन में काम करता रहता है बंदा, एक उसके अलावा सरपंच ही कर ली, जिला पार्षद है, तो इसलिए थोड़ा अलग से भी पंचायती उम्मीदवार के रूप में, मतलब पंचायत के हिसाब से, पंचायती राज की वजह से थोड़ी जान पहचान, अब सरपंच तो सरपंचों से जान पहचान है, पूर्व सरपंचों से है, जिला पार्षद तो जिला पार्षदों से है, ब्लॉक समिति मेंबरों से, पंचों से है। और दूसरी बात है, मैं कोई कार्यक्रम करूँ ना, उनको सारों को फोन पर इन्विटेशन भेजूँ, या कार्ड भेजूँ, जो भी कार्ड पड़े, देखो इतने सारे कार्ड रखे, तो कार्ड भेजूँ अपने इन साथियों का, तो इसी वजह से थोड़ा साथी अच्छा लगा उन्होंने कि भी हमारे मान सम्मान करा, और सबके पास जान दे रहा हूँ, सब मेरे पास आंदे रहा हूँ, आपस में मिलना जुलना आना जाना बहुत है, इस वजह से वर्चस्व है। इस टाइप की भी कुछ टिकटमबाजी आप लड़ाते रहो भाई, हल्के के सारे सरपंचों को खाना खिला दिया, हल्के के सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स से आप मिल लिए, हल्के की जो महिला बड़े बड़े पदों पे भी है, चाहे छोटे पद पे बड़े पद पे, सबसे आप कॉन्टैक्ट रखो हो, तो लाइजनिंग तो आप डे बाय डे रखो, आज से नहीं शुरू से ही आदत है।
मैंने इंद्री विधानसभा के प्रत्येक गांव में जाकर के फर्स्ट टाइम वोटर है सारों से मिल लिया, सबके साथ फोटो है मेरी। भाजपा ऐसा सोच नहीं पाई, आप कर चुके हो भाजपा से ही सीखा सीखा भाजपा इंप्लीमेंट आप करके इंप्लीमेंट करके सीखा भाजपा से, ये है कि मैं उस पर मेहनत कर गया। अच्छा रही माताओं बहनों की बात, तो सारे विधानसभा के पूरे जितने भी गाँव में टोटल गाँव की बहनें आकर मेरा राखी बांध गई। फिर आपने बात करी सरपंचों की, सरपंचों के पास मैं जाकर चाय पानी पिया, सरपंच साहब मेरे पास आके चाय पानी पी गए, तो हमारा इतना प्रेम प्यार आपस में समाज कूटनीतिक ना 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 भाई साहब आप शुरू से चल रहे हैं। अरे भाई देखो मैं सुरेंद्र जी के साथ इसलिए जुड़ रहा हूँ जब इन्होंने MH1 ढाबा मार्ट NH1 जब मार्ट करा ढाबा करा, तो मैंने इनका जब इंटरव्यू लेने की शुरुआत करी तो पहला ही मैंने सवाल पूछा जी आपका ढाबा कैसा है, यूँ बोले जी मजबूरी है लोगों से पैसा लेना, नहीं तो हमारे बाप दादा जब घर में कोई आ जा करता गाँव गुआ में कोई आ जाता तो खाना फ्री में खुआ कर दे, पैसा लेना मजबूरी है, पैसा लेना मजबूरी है, नहीं दाल रोटी तो वैसे चलाएगा, इतने सारे वर्कर हैं 60-70 वर्कर हैं, किराए भाड़े हैं, बिजली के बिल हैं, वो मजबूरी है वैसा। बड़ी बात ये भी है आज भी अगर आप उस पर जाओगे NH1 मार्ट पर ढाबे पर तो आपने खाने का रेट वही सिंपल सस्ता है, यूँ नहीं कि इतना बड़ा मार्ट है थोड़ा महंगा पाओ, खाना सस्ता है वेराइटी अच्छी है। 25 तारीख ने प्रोग्राम आपने करा, हाँ 25 अगस्त को इंद्रिया अनाज मंडी में इंद्री का स्वाभिमान नाम से महासम्मेलन हम कर रहे हैं जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा योगी शर्मा जी वो उसके अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की, और इंद्री विधानसभा के मेरे सभी युवा साथी माताएं बहनें ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता सब के सब शिरकत करेंगे, पूरा उत्सव पूरा मेला लगेगा। तो भाषण में क्या विषय रहेगा? भाषण आर्यू के नाम क्या क्या कर रहे हैं इंटरव्यू, ये नहीं मन करने देगा भाई जितने बातों में भोले हैं उतने राजनीतिक खतरनाक भी हैं, हालांकि आपने दिखेगा नहीं खतरनाक पड़ा पूरी इंद्री भी जाना है। मेरे ख्याल से इन 14 सालों में आप हर गांव में 20-20 राउंड तो हो चुके होंगे। मैंने ना अपने बायोडाटा बनाया, बायोडाटा यहाँ रखा होगा, बायोडाटा में मैंने अपना वो डाल दिया सोशल मीडिया का स्कैनर डाल दिया, क्या होगा वो QR कोड वो डाल दिया, अगर उसको आप स्कैन करोगे ना उसको तो आपको मेरे 2000 से ज़्यादा तो जनसभाएं मिलेंगी, और 90 की 90 विधानसभा है जो हरियाणा की, हर विधानसभा में जाके मैं प्रेजेंटेशन मेरी प्रेजेंटेशन है, मतलब इतना मैं कई बार सोचू कि मेरा बाप तो चुनाव मिस्त्री काम कर रहा था और मेरे तो इतना प्यार मिल रहा दुनिया का सबका, ये बात है। OBC ए कैटेगरी में हमारे भाई साहब और पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वायरल और सबसे ज़्यादा अच्छी इमेज, और भाई जीत भी मैं अगर ये कहूँ मैं क्योंकि यूट्यूबर हूँ पत्रकार तो नहीं हूँ, जीत भी एक तरफा है। तो भाई बाकी आज तक मैंने रैली नहीं देखी है, रैली 25 तारीख का समय क्या है एक आपने ये बात कही ना 25 रैली के पहले बात होगा अपना यूट्यूब पे बोल रहा है सरेआम बोल रहा है मुन्न पता और भी सब लोग ऐसे होंगे आज तक अपने जीवन में 14 साल हो गए काम करते, जिस बंदा मेरे पास आ गया ना मेरे साथ चंडीगढ़ चल दिल्ली चल अस्पताल में चल ब्याह में चल शादी में चल यहाँ चल, आज तक अपने जीवन के अंदर अपनी गाड़ी में किसी से तेल नहीं डलवाया, कभी किसी से कुछ लिया नहीं, कभी थाने तहसील कोर्ट कचहरी जहाँ मर्जी कोई लेगा आप मेरे जीवन के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो आदमी नु कह देगा भाई मन्ना इसको ना इसके साथ वहाँ जाना पड़ गया था मैं अपना काम जाऊँ था और मैंने इसकी गाड़ी में 1000 रुपये का तेल पाया जब मेरा काम है 2000 का तेल पाया जब मेरा काम है, कभी जिंदगी में किसी से पैसे नहीं लिया कभी भी, अब चाहे मेरे पास कुछ नहीं हुआ चाहे मैंने किसी से मांगे चाहे मैंने किसी दिनों कहा भाई फोन करके भाई 1000 रुपये दे दे 500 दे दे 1500 दे दे जो मर्जी मना करा मैंने जहाँ मर्जी से जो मेरे पास आया उसका काम चलाया, लेकिन मैंने कभी अपने जीवन के अंदर कभी किसी से दलालीबाजी ये सब काम जिस मेरे लीडर बन जाए कुर्ते कुर्ते जमे पैर ला और लोगों के ही पैसे गुमा दूसरी जगह ये कभी नहीं करा जाना। तो भाई ये हमारे सुरेंद्र भाई साहब दिल के साफ हैं और इनकी एक खूबी और है, इनका अगर कोई दुश्मन भी इन द्वारा आकर बैठेगा तो ये उनको माइंड से रियलाइज नहीं करवाएंगे कि अपनी बोलचाल नहीं है, उसके साथ उन्हें बोलेंगे जो कर आम आदमी के लिए बोल रहे हैं तो उसने रियलाइज नहीं होगा अभी तरह से नाराज है या हमारी बोलचाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद बड़े भाई। तो फिलहाल यह वीडियो आपने किसी लगी और सुरेंद्र उड़ाना के बारे में आपके पास कोई जानकारी हो तो जरूर बताइए, कोई छुपी हुई बात हो नेक्स्ट गेड़े में वह भी बात करेंगे। 25 तारीख ने सवेरे सवेरे आऊंगा भाई, देखेंगे जो कार्यक्रम कैसा है, भीड़ कितनी है, क्या ऐसी भीड़ तो नहीं 2000 है जो लोग 20000 बोल देवे, आपका फोन वहाँ वीडियो बनाएगा चारों तरफ उसमें कल्ला कल्ला बंदा दिख जाएगा, कल्ली कल्ली माता बहन दिख जाएगी, युवा साथी दिख जाएगा, बस ठीक है। तो भाई आप 2000 ने 2000 बोलेंगे 20000 ने 20000 बोलेंगे दो फालतू और घाट नहीं होगा भाई। फिलहाल ये वीडियो दुनिया आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।